हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ था मैथ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसी का आज दूसरा क्लास है। कल मैंने बेसिक बताया था आप लोगों को कन्वर्जन की, परसेंटेज से आप लोग फ्रैक्शन में यानी कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आप लोगों को डिटेल में बताया था। और कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट में चार्ट बना के दिया था और बोला था मैंने आप लोगों से कि उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग याद कर लेंगे वो मेरे लिए नहीं याद करेंगे, आप लोग खुद के लिए याद करेंगे। आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग उसको समझ गए हैं, उसको आप याद कर चुके हैं, तो आप लोगों की मैथ में स्पीड 100% बढ़ जाएगी। और उसी के आगे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ और परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन, जो कि आगे चल के आपके कठिन क्वेश्चंस में आप लोगों को हेल्प करने वाला है प्रतिशत का। ठीक है, कि प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे, दूसरे चैप्टर में बोला था, मैंने कल बोला था आप लोगों को कि परसेंट के जो क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत के, वो सभी चैप्टर में आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हम आज जो डिस्कस करेंगे वो आप खुद देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, आपकी स्पीड बढ़ाने वाली हैं मैथ में। आप लोग अगर अच्छे से परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो आप लोग खुद समझेंगे, आप लोग खुद अपने अंदर देखेंगे कि आप लोगों का मैथ में स्पीड इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग करते रहिए, बस इतना काम है। सबसे पहला काम, कॉपी पेन लेके बैठा करिए जब मैथ पढ़ रहे हैं, और जो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ उसको नोट करते चला करिए। ठीक, और दूसरी चीज़, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बहुत कम लोग लाइक करते हैं वीडियो को। और अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को कंप्लीट फ्री में पूरे यूपी टेट मैथ की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है काम ये। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे अगर आप लोगों से कोई बोले, कल हमने देखा था, सारी बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, आज हम उसी के आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई बोलता है कि 133 सही 1/3 प्रतिशत का मान ज्ञात करिए, आपको इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलें। कल हमने देखा था छोटा छोटा फ्रैक्शन कन्वर्जन देखा था, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन छोटी छोटी संख्याओं का देखा था। आज अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन है, उसमें इस तरीके से आ गया कि 133 सही 1/3 प्रतिशत है किसी भी संख्या का, तो आप इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब 100 से ऊपर है तो इसको सबसे पहले कोशिश करिए कि दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहले कर लीजिए 100%। ठीक, 100% के बाद बचा कितना, इसमें से 133.1/3 था, 133 सही 1/3 था, तो इसको हमने 100 यहाँ पे ले लिया, बचा कितना, बचा है आपका 33 सही 1/3%। ठीक, दो भागों में बांट लिया यहाँ पे। जब दो भागों में बांट लिए हैं तो आपको पता है कि 100% खुद में एक संख्या होती है, प्लस 33% आपको बताया गया है, आपको निकालने आता है 33% कितना होता है, तो आप कहेंगे 33% को भिन्न में आप बदलेंगे अगर, तो 1/3 होता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल ये सब सारी चीज़ें डिटेल में बताई, इसलिए आप लोगों को आनी चाहिए ये। अब इसको क्या जोड़ना कोई कठिन काम है, 1 और 1/3 को जोड़ेंगे तो 3 × 1 = 3 और 1 = 4, 4/3 हो जाएगा। अब बताइए, 133 सही 1/3% आपसे पूछा था और आप उसको अगर फ्रैक्शन में बदल देते हैं 4/3, तो कितना आसान अगर क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहीं पे अगर आपसे बोलता है कि 500 रुपये का 133 सही 1/3% ज्ञात करिए, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 500 × 4/3 कर लेंगे। अगर आपको ये निकालने आना आता होगा तो सीधे सीधे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 500 × 4 हो जाएगा 2000, 2000/3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, और ये लगभग आपका 666.66 आपका चला जाएगा। इतने रुपए होंगे 133 सही 1/3% का मान, अगर 500 रुपये आपका दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये था बेसिक। इसी तरीके से हम कुछ देख लेते हैं आप लोगों को, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैसे डिवाइड करेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे 500 रख के दिखा दिया आप लोगों को, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है।
अगर दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं इसी तरीके से, अगर आपसे मैं बोलूँ 116 सही 2/3 प्रतिशत का मान आपको ज्ञात करना है भिन्न में, तो अब तुरंत अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लें, पहले 100%, फिर इसके बाद प्लस कितना बचा 100 इसमें से निकाल देंगे तो 16 सही 2/3% बचा है, 16 सही 2/3% बचा हुआ है। और आपको पता है कि 100% को हम एक मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि 100% खुद में एक होता है, और 16 सही 2/3 आपको पता है कि कितना होता है 1/6 होता है। अब यहाँ पे मैंने कल ही बोला था कि अब डायरेक्ट जब ये सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने कल पढ़ा रखा है तो मैं डायरेक्ट इसको पुट करूँगा यहाँ पे 1/6 क्यों रखा गया, क्योंकि 16 सही 2/3 का मान होता है भिन्न में 1/6। कल आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं कल की वीडियो तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये हो गया, अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, 6 + 6 = 7/6 हो जाएगा, 116 सही 2/3 का मान 7/6। जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर हम चलेंगे इसके आगे, कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद हम चलेंगे अगले टाइप पे। इरेज करता हूँ इसको मैं, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूँ 114.28, अब यहाँ पे इसको पूरा ऐसा रख दिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है आपको, तो आप अब आप लोगों से मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, आज समझा भी दिया मैंने दो एग्जांपल लेके कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको 100 में तोड़िए, 100% + 14.28%, 100% को आपको पता है कि क्या लिखना है, एक लिखना है, प्लस 14.28% को आपको पता है, मैंने कल बताया हुआ है, क्या बताया था, 1/7 होता है इसका भिन्न का मान, 14.18 का मान होता है 1/7, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, 7 + 7 = 8, 8/7 हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 114.28% का मान बताइए, तो आप चुटकियों में उसका भिन्न में बदल देंगे उसको और उस किसी भी संख्या का मान निकाल देंगे। इरेज कर दूं इसको, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, (222 = 2/9% को भिन्न में बदलना है, ये थोड़ा सा अलग टाइप है। अभी तक आपका 100-100 का मान आ रहा था, यहाँ पे 200 आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे आप, इसको भी सेम वही प्रोसीजर है, आपको पता है कि 100% में तोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 222 है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 200 कर देंगे। इसको आप 100-100 करके भी कर सकते थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट करिए 100-100 दो बार है, यहाँ पे 200 है, इसको 200 लिख लीजिए डायरेक्ट, प्लस कितना बचा यहाँ पे 22 सही 2/9, आपको पता है कि 100 को हम एक लिखते थे तो 200 को क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लिख सकते हैं 2, प्लस 22 सही 2/9। अब ये बताइए, कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी 11 के गुणनखंड हो, जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, तो आपको मैंने क्या बोला था कि नीचे क्या होगा, नीचे आपका 9 होगा, ठीक। अगर यहाँ पे बोलता 11 सही 1/9, यहाँ पे आपने 9 देखा, तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नीचे 9 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9, 1/9 को कहते हैं, इसका भिन्न का मान होता है 1/9। तो यहाँ पे क्या है, 22 सही 2/9, यानी कि इसी का 2 गुना है, यानी कि जब 11 सही 1/9 का मान होता है 1/9, तो 22 सही 2/9 का मान क्या हो जाएगा, 2/9। अब इसको सॉल्व करना चुटकियों का खेल है, 9 × 18 = 20/9। अगर आपसे कोई पूछता है कि 222 सही 2/9 या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, आप लोग आराम से, आप लोगों को मैंने 4 एग्जाम्पल करके बता दिया है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से तोड़ना है उसको भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है, तो जल्दी से इसको भी नोट करिए क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अब अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रतिशत आप लोगों को इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। यूपी टेट के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी नहीं बताएगा इतना डिटेल में। एक एक चीज़ मैं बारीकी से बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को हो सकता लगे कि कुछ बच्चों को कि काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिक बहुत ज़रूरी है, कुछ भी यहाँ पे छूटेगा नहीं किसी का। आप लोगों को अगर आता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई आपसे कहता है, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 3600 रुपए है, उसमें बारह दशमलव पांच प्रतिशत की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। 12.5% की वृद्धि कर दी गई है। अब मेरे पास कितने रुपए हैं, अब बताइए आप लोग। अब मेरे पास कुल 3 रुपए हैं। क्वेश्चन जल्दी से पहले नोट करिए इस क्वेश्चन को, एक एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी के पास 3600 रुपये है और बोल रहा है वो कि उसमें 12.5% की वृद्धि कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कर लेंगे, एक एक लोग सॉल्व कर लेंगे, जिसको मैथ थोड़ी सी भी आती होगी गुणा भाग वो सब सॉल्व कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए 12.5% की वृद्धि आपको मैंने बताया हुआ है कि 12.5% की वृद्धि है, तो 12.5% को सबसे पहले आप क्या करिए, भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में इसको चेंज करिए। 12.5% को आप भिन्न में, परसेंट है 12.5% को भिन्न में बदलते हैं तो क्या आपको मान पता है कि क्या लिखते हैं भिन्न में? आपको रटा होना चाहिए, दिमाग आपका खुला होना चाहिए अगर आप लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अगर मैथ आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, आप लोगों को समझना है मैथ, तो आप लोगों को प्रतिशत 100% आना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को जोर दे रहा हूँ, प्रतिशत अच्छे से पढ़िए। 12.5% को सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 1/8। भिन्न में इसको रटा होना चाहिए, हर एक भिन्न जो है आपको मैंने कल जो चार्ट में बताया था वो सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं चार्ट जो मैंने बताया था कन्वर्जन उन्हीं में से कुछ आता है। 12.5% वृद्धि हुई, यानी कि 1/8 इसको हमने भिन्न में बदल दिया 12.5% को। अब ये बोल रहा है कि उसके पास पहले 3600 रुपये था, अब उसमें 12.5% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जो यहाँ पे नीचे है ये क्या है, हर, ये क्या है आपका अंश, यही है अंश और हर होता है। तो जो हर वाली वैल्यू होती है यहाँ पे नीचे, हर वाली जो वैल्यू है ये उसका पुराना मान है, यानी कि 3600 रुपये बराबर यहाँ पे उसके पास 8 रुपये था, अब उसमें वृद्धि हो गई है +1 की। ठीक है, तो यानी कि 8 रुपये बराबर जो पहले उसके पास रुपये था 3600, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे बटे में लिखा गया है इसको भिन्न में हमने जो बदला है, तो नीचे वाला जो मान है वो दिखाता है जो हमारे पास पहले वैल्यू थी। तो पहले हमारे पास 3600 रुपये था, तो 8 बराबर हो गया 3600, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, 1 बराबर 8 चौक 32 और 50, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 450 रुपये। जब 1 बराबर 450 रुपये, तो यही तो वृद्धि हुई थी, यहाँ पे देखिए 1 ही रुपये की तो वृद्धि हुई है, 8 के या सापेक्ष 1 की वृद्धि हुई है, यानी कि 3600 के सापेक्ष 450 रुपये की वृद्धि हुई है। यानी कि पूरा का पूरा अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल राशि कितनी है उसके पास, तो 3600 और 450 आपका सीधे सीधे हो जाएगा 4050 रुपये, ये आ जाएगा आंसर।
यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा जो मैंने बताया कि इसको पहले तो भिन्न में बदलें। जब भिन्न में बदल दिए तो नीचे वाला जो मान होता है, हर वाले जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो उसके पास जो पहले संख्या दी गई थी उसको दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे 8 है तो वो 3600 को दर्शा रहा है। तो वृद्धि कितनी हुई है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो वृद्धि को दर्शाता है, या फिर कम ही बोल रहा है तो कमी को दर्शाता है, लेकिन जो पहले उसका बेस होता है वो नीचे वाला होता है। यहाँ पे एक की वृद्धि हुई थी 8 के सापेक्ष, तो 8 बराबर 3600, तो 1 बराबर 450, तो यही वृद्धि हुई थी। 3600 में 450 हमने जोड़ दिया, 4050 आ गया। उसके पास कुल राशि 4050 रुपये है। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब भले ही 4 क्लास की जगह 5 क्लास हो जाए, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मुझे बताइए अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आती है क्लास में तो तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में, उसको अगली क्लास में आप लोगों को तुरंत बताऊँगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। अब दूसरा एग्जाम्पल है, बोल रहा है मेरी सैलरी वेतन कह सकते हैं, सैलरी मैंने लिख दिया है 7500 रुपये है, यानी कि 7500 रुपये है। ठीक, कोरोना की वजह से ठीक ध्यान दीजिएगा, कोरोना की वजह से मेरी सैलरी से छाछठ सही 2/3% की कटौती कर दी गई, जो कि नॉर्मल इस समय कंडीशन चल रही है। अब बताना है आपको, अब मेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नोट करिए अपने कॉपी में, पहले वीडियो रोक के। कोई भी आदमी है वो बोल रहा है कि मेरी जो सैलरी थी वो 7500 रुपये है। ठीक, क्या बोल रहा है कि किसी भी आदमी की जो सैलरी थी वो थी 7500 रुपये। कोरोना की वजह से एक कंडीशन दे दिया गया है कि किसी कारण की वजह से, कोरोना की वजह से उसकी जो सैलरी थी उसमें 66 सही 2/3% की कटौती कर दी गई। कटौती कर दी गई मतलब कमी कर दी गई उसकी सैलरी में, 7500 जो रुपए था उससे 66 सही 2/3% की कमी कर दी गई। अब उसकी सैलरी कितनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, करने का तो सब बहुत तरीके बताएंगे आप लोगों को, आसान तरीका आप चुनिए। 66 सही 2/3% को आप क्या लिखते हैं भिन्न में, सीधे सीधे आपको पता है कि आप लिखते हैं इसको 2/3 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, इनकी सैलरी थी जो वो नीचे वाला था, जो हर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो नीचे होगा वो बेस होगा। इसकी सैलरी पहले कितनी थी 7500 रुपये, तो 7500 रुपये बेस में आएगा, 3 जो वैल्यू है यहाँ पे वो 7500 के बराबर है। ठीक, 7500 के बराबर है, और अब क्या किया गया, उसमें 2 की कमी कर दी गई, यानी कि 3 थी उसकी सैलरी, उसमें से 2 की कमी कर दी गई है, यानी कि अब कितना उसके पास सैलरी बचेगा, वो एक हिस्सा बचेगा सैलरी, एक हिस्सा बचेगा। क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी पहले 3 थी,
तीन थी उसकी सैलरी, उसमें से दो की कमी कर दी गई, यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं की गई है, 66/3 की कमी की गई है, कटौती की गई है, यानी कि कमी की गई है, तो दो की कमी कर दी गई है, किसमें से, तीन में से, तो बचेगा कितना, एक यूनिट का मान अब निकालना है, एक यूनिट निकाल लेंगे तो उसकी सैलरी कितनी है वो पता चल जाएगा। तीन बराबर है 7500 रुपये, तो सीधी सी बात है अगर तीन से हम कट करें 75 को तो एक यूनिट बराबर आ जाएगा 2500 रुपये, यानी कि उसकी जो सैलरी है अब कितनी हो गई है 2500 रुपये। कोरोना की वजह से जो कटौती की गई है उसकी वजह से उसमें से 66/2/3% की कटौती कर दी गई सैलरी में से, तो अब उसके पास बचा है 2500 रुपये। अब ये बताइए अगर ये कंडीशन आप लोग ये तरीका सीख जाएंगे तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप एक एक दो दो स्टेप में आप ख़त्म कर देंगे। ठीक, इसको भी जल्दी से नोट करिए फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज करता हूँ मैं अब, सॉरी। जो मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं एग्जाम क्वेश्चन से आप लोग एक दिन आप लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे, इसलिए एक एक चीज़ जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब क्वेश्चन करते रहिए, आप लोग देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दाल की कीमत, दाल की दाम लिख लेते हैं, दाल का दाम 120 रुपये प्रति केजी है। ठीक, दाल के दाम में, दाल के दाम में 62.5% की, अब दाम है दाल की तो कमी तो करेगा नहीं कोई, वृद्धि ही करेगा, 62.5% की वृद्धि कर दी गई। ठीक, अब दाल की नई कीमत बताइए, अब दाल या फिर लिख लीजिए दाल कितने रुपए किलो है, कितने रुपए किलोग्राम है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नोट करिए पहले जल्दी से, उसके बाद हम चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। दाल की कीमत थी 120 रुपये पर केजी, उसमें क्या किया गया है 62.5% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, 62.5% की वृद्धि कर दी गई है और पूछा जा रहा है कि दाल की नई कीमत कितना है, तो सारे लोग क्वेश्चन, मैं जो बोलता हूँ कि सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 100% नहीं है, कुछ बच्चों को हो सकता है मैथ नहीं आती हो तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जिसको भी मैथ आती है, जिसको परसेंटेज थोड़ा बहुत भी आता है, परसेंटेज निकाल, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। मेरा यहाँ पे बताने का बस इतना उद्देश्य है आप लोगों को ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को आप स्मार्ट तरीके से फ्रैक्शन में बदल के, भिन्न में बदल के, एक स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, आप कहेंगे कि 62.5% की वृद्धि की गई है, यानी कि अगर 62.5% को हम भिन्न में बदल लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 62.5% के लिए मैंने आप लोगों से बताया था कि ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू किसमें, किसके गुणनखंड में आता, गुणनखंड में आता है, सॉरी किसके गुणनखंड में आता है, तो आप कहेंगे कि ये 12% के मल्टीपल में आता है, 12×5=60 और आधा जो है 12.5 का, अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं 12.5×5 तो क्या गलत होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही होगा क्योंकि 12×5=60 होता है और 5×5=25 होता है, तो 60 और 25 62.5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 12×5=60 हुआ प्लस
यहाँ पे जो 0.5 है इसका 5 में गुणा होगा तो ये आएगा 2.5, इसलिए मैं 25 बोल रहा हूँ कि 2.5 है, तो 60 और 2.5 जुड़ेगा तो 62.5 हो जाएगा। अब इतना बताने की जरूरत मैं नहीं समझता कि आप लोग इतने बड़े हैं इतना सारी चीज़ें समझते होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम 12.5% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता अगर है तो इसमें हम 5 का गुणा कर दें आपका आ जाएगा। आपको पता है कि 12.5% को हमने अभी देखा कि इसको लिखते हैं 1/8, तो लेकिन यहाँ पे 5 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पे ऊपर 5 से गुणा हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5/8। यानी कि दाल की जो कीमत थी वो थी 8 यूनिट के बराबर, यानी कि 120 रुपये जो था वो 8 यूनिट के बराबर था, लेकिन अब उसमें वृद्धि कर दी गई है 5 रुपये की, 8 रुपये में 5 रुपये की वृद्धि कर दी गई। अगर 8 यूनिट का मान था 120 रुपये, तो हम अगर 1 यूनिट का मान निकाल लें, 1 यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ पे आप कहेंगे 120/8 15 रुपये, 1 यूनिट का मान आ गया 15 रुपये, तो आपका दाम किसका निकालना है, दाल की नई कीमत का। यानी कि अब दाल की नई कीमत क्या होगी, क्या 5 रुपये होगी, नहीं, 8 रुपये पहले थी उसमें 5 रुपये की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 8 × 5 = 13 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान 15 रुपये, तो 13 यूनिट का मान 15 × 13 हो जाएगा, 15 धाम 150, 15 × 3 = 45, यानी कि 195 रुपीज़, 195 रुपये इसका दाम का, दाल का नया दाम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सीखते रहिए, एक एक क्वेश्चन सीखते सीखते आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को मैथ अच्छी लगने लगेगी। अभी जो मैथ से काफ़ी बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन ये मैं बता दूँ दूर भागने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को मैथ करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। आप यूपी टेट में बच जाएंगे, लेकिन सुपर टेट में तो सबको देना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ से भागिए मत, मैथ पढ़ते रहिए। ये हो गया क्वेश्चन, अब देखते हैं वृद्धि के बारे में देखते हैं। अगर आपसे बोलता है प्रतिशत वृद्धि के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब एक दो क्वेश्चन, आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, प्रतिशत वृद्धि। अगर आपसे बोलता है कोई, एग्जांपल लेके समझते हैं, जल्दी से समझ में आता है, आसान होता है एग्जांपल लेके समझना। अगर कोई बोलता है कि आपके पास 60 रुपये है, आपको 15 रुपये और दे दिया जाए, ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है आपसे कि आपके पास 60 रुपये है, पहले से आपके पास 60 रुपये है और आपको 15 रुपये और दे दिया गया है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने परसेंट की आपको वृद्धि बतानी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पैसा था कितना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज़ आपको समझाता हूँ मैं, 60 रुपये था, आपको बताना है कि आपको 15 रुपये और दे दिया गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो किसके सापेक्ष में निकालेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपको समझना कि किसके सापेक्ष में आपको परसेंट निकालना है। अगर आप लोग ये समझ गए तो आप लोग को परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज निकालने में बहुत ही आसान आप लोगों को समझ में आएगा।
इस क्वेश्चन में आपके पास पहले से 60 रुपये था, इसी के सापेक्ष में आपको अब बताना है कि 15 रुपये बढ़ा दिया गया है तो आपका परसेंटेज कितना बढ़ गया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए, आपका सापेक्ष मतलब जो नीचे रखेंगे, मान लें यहाँ पर 60 नीचे रखा जाएगा और ऊपर किसका किसके वजह से बढ़ रहा है, तो कहेंगे 15 रुपये की वजह से बढ़ रहा है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना आ गया, आप कहेंगे 150 आ गया, क्योंकि 15 था, 10 से गुणा हो गया 150। नीचे क्या है, 6 है, 6 दुनी 12, बचा कितना, 3 और 0, 6 पंजे 30। यानी कि क्या समझ में आया कि 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि को मैं इस तरीके से ऊपर एरो के लगा के यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, 25% की वृद्धि हुई है 60 रुपये के सापेक्ष में। यानी कि पहले 60 रुपये था, 15 रुपये बढ़ा दिया गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया उसका पैसा, 25% उसका पैसा बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंट इंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है या परसेंटेज डिक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करता हूँ मैं, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होगा परसेंटेज इंक्रीमेंट का ही। अगर कोई कहता है आपके पास 40 सेब थे, ठीक, बाद में आपके पास 75 सेब हो गए। अब आप लोग कहेंगे कि 40 से सर 75 कैसे हो गया, कोई दे दिया उसको और लाके, तो उसके पास 40 सेब थे पहले, बाद में उसके पास 75 सेब हो गए, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, किसी आदमी के पास 40 सेब थे पहले, 40 सेब थे, बाद में उसके पास हो गए कितना, 75 सेब हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो सीधी सी बात है कि पहले तो उसके पास कितना था, 40 था, यानी कि हमारा 40 के सापेक्ष में हम परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ पे प्रतिशत जो वृद्धि है वो किसके सापेक्ष में देखेंगे, जो पहले जिसके सापेक्ष में हमको निकालना है, तो यहाँ पे 40 सेब के सापेक्ष में निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक, तो 40 रख दिया यहाँ पे, 40 से हुआ कितना है, आप कहेंगे 75 हो गया है। कितना सेब बढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज में देखते हैं हम कि कितना भी जो वैल्यू है, पहले कितना थी बाद में कितना हो गई, तो कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 75 में से अगर 40 निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 35। 35 हो गया है वृद्धि की वजह से, 35 सेब उसके पास बाद में आया, लेकिन किसके सापेक्ष, तो आप कहेंगे 40 के सापेक्ष। परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 350 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 8 32, ठीक, और यहाँ पे बचा कितना, 3 और 0, यानी कि 4 6 24, 4 7 28 और 4 5 20, 87.5% की वृद्धि हुई है उसके सेब में। सेब तो एक यहाँ पे बस वैल्यू है, नाम के लिए रख दिया है, यहाँ पे मुझे बस बताना था आप लोगों को, जब कोई वैल्यू इस तरीके से बढ़ेगी, 40 से 75 हो गई, 40 से कोई भी संख्या से कहीं भी संख्या पहुँच गई, तो उसका जो इनिशियल था उसमें से फाइनल वाले को घटा देते हैं। परसेंटेज वृद्धि अगर पूछता है, इनिशियल से फाइनल वाले को घटा देते हैं, जो भी मान बचता है उसको ऊपर रखते हैं और जो हमारा इनिशियल में रखा गया था उसको नीचे रखते हैं। हम यहाँ से परसेंटेज निकाल देते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए हमारा प्रतिशत वृद्धि आया है 87.5। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए, इतना काफ़ी है आज के लिए।
आधे घंटे 35 मिनट की क्लास हो गई, बहुत ही एक दिन के लिए इतना सीखने के लिए प्रतिशत में। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, जिन बच्चों को नहीं आता है वो इकट्ठा नहीं सीखें तो ज़्यादा सही है। आधे आधे घंटे 35-35 मिनट की क्लास काफ़ी है आप लोगों के लिए। और अगर आज की क्लास समझ में आई हो आप लोगों को और ये सब बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चन ही एडवांस में, यही सब कॉन्सेप्ट यूज होता है एडवांस क्वेश्चन में, तो ये बेसिक क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पहली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो हर वीडियो में काम आएंगी। ठीक, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को यूपी टेट की कंप्लीट मैथ की तैयारी करनी बिल्कुल फ्री में, 100% हमेशा फ्री रहेगी ये, तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना है आप लोगों को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसके लिंक को यहाँ से शेयर बटन होगा उस पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर करिए, और मुझे यहाँ पे अपना सजेशन जरूर दीजिए कि मैं इन वीडियोज़ में और क्या सुधार सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।